धनबाद को कोयले की राजधानी की उपाधि दिलाने वाली BCCL कंपनी हमेशा अपनी लापरवाही के लिए जानी जाने लगी। राष्ट्रहित में कोयला उत्पादन करने वाली BCCL कंपनी देश को लाभ पहुंचाने के स्थान पर नुकसान पहुंचा रही है। कोयले के भारी स्टॉक में आग लगी है, जिससे कि कंपनी को भारी नुकसान होने का अंदेशा है। आम लोगों तक को पता है कि कोयले के बड़े स्टॉक में आग लग गई है। जिस स्थान पर कोयला स्टॉक किया गया है वह अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। बावजूद इसके कोयले को ऐसे स्थान पर जमा लंबे समय के लिए किया जा रहा है, जिससे कि सही कोयले में भी आग पकड़ ले रही है। धनबाद BCCL के राजापुर परियोजना में कार्यरत डेको आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा लाखों टन कोयला उत्पादन किया गया। कोयला आग से जल रहा है। प्रतिदिन हजारों टन कोयला जलने का अनुमान है, जिससे BCCL सहित राष्ट्र को भी संपत्ति का नुकसान हो रहा है। इसे लेकर यूनियन नेता BCCL पर घोर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं BCCL प्रबंधन आग को जल्द बुझा लेने की बात कर रहा है। BCCL का राजापुर परियोजना अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। यहां डेको आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा OB उत्खनन और कोयले का प्रोडक्शन का कार्य किया जा रहा था। फिलहाल डेको कंपनी कोयले का उत्खनन कर रही है, लेकिन कोयले का डिस्पैच नहीं होने से कोयले में आग लग गई और प्रतिदिन हजारों टन कोयला जलकर राख में तब्दील हो रहा है। 2,00,000 टन से भी अधिक कोयला डंप किया हुआ है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आग धधक रही है और कोयला किस तरह से राख में तब्दील हो रहा है, जिससे BCCL को तो करोड़ों का नुकसान हो ही रहा है, राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान भी हो रहा है। डेको आउटसोर्सिंग कंपनी तो उत्पादन कर अपना प्रॉफिट BCCL से ले रहा है, लेकिन कोयले का डिस्पैच नहीं होने से कोयला आग में तब्दील हो गया है। इसे लेकर जनता मजदूर संघ के यूनियन नेता बस्ता कोयला शाखा अध्यक्ष रामकृष्ण पाठक का कहना है कि 1 मई से ही डेको का काम बंद है और कोयले का प्रोडक्शन कर लाखों टन कोयला अग्नि प्रभावित क्षेत्र में डंप किया हुआ है, जिसमें आग लग गई है और आज राष्ट्र की संपत्ति जल रही है। कहा कि इसमें BCCL की घोर लापरवाही है। BCCL सब जानता है कि अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, तो इतने दिनों से कोयला डंप कर रखना यह कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। साथ ही आग बुझाने में तत्परता नहीं दिखाना यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसमें बड़े अधिकारी को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। वहीं BCCL बस्ता कोयला एरिया 9 के महाप्रबंधक सोमेन चटर्जी का कहना है कि डेको आउटसोर्सिंग कंपनी का OB उत्खनन बंद है, जबकि प्रोडक्शन चालू है। कहा कि नवंबर दिसंबर में कोयले की उत्पादन हुई, लेकिन डिस्पैच नहीं हुआ, जिस कारण लगभग 2,00,000 टन कोयला जमा हो गया और गर्म कोयला होने से कोयले में आग लग गई। आग पर काबू पाया जा रहा है। पाइप के द्वारा कोयले में लगी आग को बुझाने का काम चल रहा है। जल्द ही आग पर काबू पाया जाएगा और कोयले का डिस्पैच कर लिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर डंप किए हुए कोयले में लगी आग को पाइप से पानी देकर काबू किया जा सकता है। वहीं अगर BCCL को पता है कि अग्नि प्रभावित क्षेत्र है और गर्म कोयले का प्रोडक्शन हो रहा है, तो फिर इतने कोयले को एक जगह डंप कर इतने दिनों से क्यों रखा गया? क्या इसमें BCCL की लापरवाही नहीं है? किया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करने के चलते डेको आउटसोर्सिंग कंपनी और प्रबंधन BCCL के नज़रअंदाज करने के चलते BCCL को भारी नुकसान होने का अंदेशा है, जब अगर उस पर तत्काल कार्रवाई नहीं किया गया तो। अभी तक तो मुझे लगता है कि कम से कम 10-15% जो है टोटल स्टॉक का तो जरूर मतलब उसमें जला है, और अगर इसको तत्काल नहीं व्यवस्था किया गया बुझाने के लिए, आग का प्रयास नहीं किया गया, समुचित व्यवस्था नहीं किया गया, तो उसमें और ज़्यादा जो है नुकसान होने की संभावना है। तो देश का नुकसान है, राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान है, और इसके लिए तो निश्चित तौर पे एकदम मतलब कि यहाँ मुख्यालय के लोग जो है हर दिन जो है इस पे नज़र रखते हैं। हमारे महाप्रबंधक को भी सूचना जरूर होगा, अगर नहीं है तो हम आपके माध्यम से ये मांग करेंगे कि इस पर तत्काल कार्रवाई करके उस आग को बुझा के और कोयले को समुचित व्यवस्था करके उसको सुरक्षित जगह पर रखा जाए। निश्चित लापरवाही है, क्योंकि उनका वो स्टॉक है, वो साइडिंग है, थे डिपो है, अगर उसमें आग लगा है तो हमको और आपको जो पता चल जाता है तो वो तो 24 घंटा उस कार्य के लिए ही रखे गए, तो वो इसका मतलब वो अपने कार्य में लापरवाही उनकी है।
डेको कंपनी बंद नहीं हुआ, डेको कंपनी का कोयला प्रोडक्शन चालू है, हाँ पानी में ही है, उसका वो भी प्रोडक्शन बंद हुआ, वो भी डैम्पिंग का जाएगा लेके काफ़ी डिस्प्यूट हुआ रिसेंटली, आप ही लोग का कोई साथी लोग थे उसको लेके हाईलाइट भी किया, तो उसलिए सब बंद किया गया अभी टोटली। और कोयला एक्चुअली कोयला हम लोग जस्ट लास्ट नवंबर दिसंबर से जितना प्रोडक्शन किया उस हिसाब से डिस्पैच कर नहीं पाया था, अभी डिस्पैच बढ़ गया, तो डिस्पैच हम लोग भी उम्मीद करता है जो कुछ दिन अंदर ये स्टॉक हम लोग ख़त्म कर देगा। इसी बीच में कोयला का एक क्वालिटी होता है, अपने दिन ज़्यादा दिन आने से उसमें फायर पकड़ लेता है, प्लस वहाँ नीचे वो भी गर्म वो भी है सब जगह में उसमें पड़ने लगा, लेकिन हम लोग देखिएगा लोगों का अभी पाइप लाइन लेके गया, पंप का पानी डायरेक्ट फेर रहा है, और मशीन भी हम लोग सुबह लगाते हैं, डेको का ही मशीन देता है, हम लोग उम्मीद करता है दो चार दिन का मैंने उस दिन हफ्ता मान ली उसको कंट्रोल कर लेगा, सब कोयला निकाल के उसको जो भी है फेंक के बाकी कोयला का कर देगा। वहाँ पे करीब हम लोग का स्टॉक देखिएगा, पर हमको लगता है 2 लाख के आसपास कोयला है, 2 लाख ऊपर कोयला, हाँ क्यों नहीं, पानी कंटिन्यूस सप्लाई दे पा रहा है, हम लोग इसको पहले भी उस पर किया, अभी तो नहीं फायर लगा था, हम लोग वो टैंकर से पानी देके उसको निकाल दे तो बंद हो जाता था, अभी जब एक्सपोज हुआ तो हम लोग देखिएगा पूरा पाइपलाइन के डायरेक्ट 24 घंटा वहाँ पानी फेंकेगा, आदमी कंटिन्यूस पानी दे रहा है, तो देखे उस जगह को काट के निकाल देंगे हम लोग।